पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने पंजाब सरकार में बीजेपी कोटे के चारों मंत्रियों के साथ करीब 2 घंटे की बैठक की और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। साथ ही मिशन 2017 को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। पंजाब में मिशन हैट्रिक को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला और पंजाब सरकार में बीजेपी कोटे के चारों मंत्री 2 घंटे के लिए बैठे। सांपला समेत चारों मंत्री अलग अलग पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिले और उनकी समस्याओं को जाना। वर्करा ने बड़ी तादाद तकरीबन 11:15 आ गए। तो नहीं कह सकते कि उन्होंने सारे दिन समस्यावान असं हल करती या कर देंगे, पर इन्ना जरूर है कि उन्होंने उस दुख दर्द के उत्ते या उन्होंने लोड़ पूरा करने कुछ न कुछ सहायक जरूर होवेंगे और एक सार्थक कदम होगा। सांपला ने कहा कि हर स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही पंजाब सरकार में मंत्री अनिल जोशी ने इस कोशिश की तारीफ करते हुए कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। ਸੀ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਪੋਲਸੀ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, 2 ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। बहुत आज इतने बढ़िया रौनक सी था। गौरतलब है कि चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में हर बुधवार को विजय सांपला और पंजाब सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री 2 घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। सरबत खालसा की ओर से नियुक्त तीनों जत्थेदारों ने बुधवार को श्री केसगढ़ साहिब में माथा टेका। तीनों जत्थेदारों ने कहा कि गुरुद्वारों को एसजीपीसी नहीं बल्कि पंजाब सरकार चला रही है। तय कार्यक्रम के तहत सरबत खालसा की ओर से बनाए गए जत्थेदार ध्यान सिंह मंड, बलजीत सिंह दादूवाल, अमरीक सिंह अजनाला श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए गुरुद्वारे के बाहर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि तख्त केसगढ़ साहिब के अंदर एसजीपीसी की टास्क फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ था। सरबत खालसा के जत्थेदारों ने तख्त साहिब पर माथा टेका और कीर्तन श्रवण किया। वहीं सरबत खालसा की ओर से चुने गए श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जथेदार ध्यान सिंह मन ने सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर हुई मीटिंग को खारिज किया और कहा कि जथेदारों को अकाल तख्त पर मीटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ने सरबत खालसे ने खारिज किया, उन्होंने तो कोई हक ही नहीं है कि वो हुण कोई अपनी बैठक करन जां कोई कौम दे नां जां एसजीपीसी नूं जां अकाली दल नूं कोई भी संदेश जां कोई इहो जी गल कर। वहीं सरबत खालसा के जथेदारों ने खुलासा किया कि वो 10 नवंबर को होने वाले सरबत खालसा पर तख्त श्री पटना साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब के जथेदारों की नियुक्ति की जाएगी। दस नवंबर को सरबत खालसा दूसरी बार बुलाया गया है। इससे पहले सरबत खालसा की ओर से चुने गए जथेदार साहिबान पटना साहिब, हजूर साहिब और अकाल तख्त साहिब नतमस्तक हो चुके हैं और अब अपने तय कार्यक्रम के तहत तीनों जथेदार तख्त दमदमा साहिब नतमस्तक होंगे। श्री आनंदपुर साहिब से बिमल शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।